Hello students, myself Dr. Rita Sharma, Assistant Professor in Kaiji Kalsa Department, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about the Grahini Dosh. Grahini Dosh ya Grahini Rog. Grahini Dosh naam se hai jo ki iska acharya charak ne jo ki chikitsa samhita ke चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का है जो कि वर्णन किया है चिकित्सा स्थान के 15 चैप्टर में है जो कि स्पेशली ढंग से वर्णन किया गया है गृहिणी दोष नाम से। गृहिणी है जो कि एक बॉडी का पार्ट में होता है ना, जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह है उसे है जो कि गृहिणी कहा जाता है, बट यहाँ पे ये गृहिणी दोष है जिसे डिजीज के रूप में यहाँ पे बताया जाता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है जो कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से होता है। आचार्य शुश्रुत में है जो आमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थित षष्ठी पित्तधरा कला को है जो कि गृहिणी कहा जाता है। कुछ कलाएं बताई गई हैं अपने आयुर्वेद में, उनमें से जो कि आपने पढ़ी होंगी अपनी फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी की क्लासेस के अंदर, तो उसमें से है कि छठी जो पित्तधरा कला होती है उसी को है जो कि गृहिणी कहा जाता है, और इसी गृहिणी को अधिष्ठान बनाकर उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उनको है जो कि गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी को है जो कि अग्नि का अधिष्ठान कहा गया है। आचार्य चतुर्वेदी ने गृहिणी स्थित अग्नि दोष को है जो कि गृहिणी कहा है। चतुर्विध अन्न के सेवन के पश्चात उसका भाधारण, पाचन, शोषण और अवशिष्ट पदार्थ का त्याग आदि कार्य गृहिणी के अधीन ही होता है। मंदाग्नि की स्थिति होने पर गृहिणी आम अन्न को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। गृहिणी रोग है जो कि एक बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है। आचार्य भागवत में है जो कि गृहिणी दोष को है जो कि अष्ट महारोगों में है जो कि इसका वर्णन किया गया है। ये दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र एवं परतंत्र रूप से। तो यदि ये अग्नि की विकृति के फलस्वरूप गृहिणी दोष होता है तो उसे स्वतंत्र व्याधि कहा जाता है, और यदि ये जो कि किसी भी व्याधि के कॉम्प्लिकेशन के रूप में जैसे कि अतिसार अर्श आदि के बाद अन्य मान्य उत्पन्न होने से अगर कोई गृहिणी दोष होता है तो उसे परतंत्र व्याधि के रूप में कहा जाता है। इसके निदान के बारे में है जो कि कहा है आचार्य शुश्रुत ने कहा है, अतिसारी निवृत्ति अपनी मंदाग्नि अहिताशीन भूया संदूषितो भंगी गृहिणी अभी दूषित। अभोजनात् अजीर्णात् अति भोजनात् विषमाशनात् असत्वे गुरु शीतो अति रुक्ष दुष्ट भोजनात् विरेक मन स्नेह विभ्रमा याति कर्षणा देश काल ऋतु वैषम्या वेगा नाम च विधारण। जो कि आचार्य चरक ने जो कि चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया है, उन्होंने कहा है कि सुश्रुत ने जो कि बताया है, सुश्रुत ने दो निदान बताए हैं कि अतिसार से ग्रसित हो यदि व्यक्ति, और यदि अतिसार से निवृत्त होने के बाद में यदि अहित आहार विहार का सेवन करे, जठराग्नि मंद हो जाए, तो उसकी वजह से जो कि विकृत गृहिणी है जो कि अन्न का पाचन है वो ढंग से नहीं कर पाती, वह आहार को है जो कि पक्व या अपक्व रूप में जो कि शरीर से बाहर निकाल देती है। आचार्य चरक ने कहा है भोजन नहीं करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, विषमाशन असात्व दुष्ट अन्न का सेवन करना, गुरु शीत दुष्ट रुक्ष व बासी भोजन का सेवन करना, वमन विरेचन स्नेह का विभ्रम होना, देश का ऋतु का विषम्य होना, वेग धारण अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, इन सभी कारणों की वजह से है जो कि गृहिणी रोग उत्पन्न होता है। गृहिणी के है जो कि दोषानुसार विशिष्ट निदान में बताए गए हैं, जैसे गृहिणी के टाइप्स होते हैं वातज गृहिणी, चित्तज गृहिणी, कवच गृहिणी और सन्निपात पित्तज गृहिणी की यदि बात करें तो पित्तज गृहिणी के लिए कहा गया है कि कटु अनुसार का अधिक मात्रा में सेवन करना, विदाही मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, और पित्तवर्धक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से बढ़ा हुआ पित्त है जो कि द्रव रूप में बढ़कर अग्नि को मंद कर देता है, जैसे गर्म जल अग्नि को बुझा देता है। कफज गृहिणी के निदानों की बात करें तो अत्यधिक गुरु स्नेह में मधुर द्रव्य अधिक मात्रा का सेवन करना, शीतल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, अच्छे पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक भोजन करना, भोजन की तुलना शयन करने से कफ है जो कि दोष अधिक मात्रा में बढ़ जाता है वो अग्नि को मंद कर देता है, जिससे खाया हुआ आहार जो कि बड़ी ही कठिनाई से बचता है, जिससे आमदोष की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति के लिए कहा गया है कि निदानों का सेवन करने से अन्य मंदिर होकर गृहिणी में विकृत किया जाता है। गृहिणी के दूषित होने पर पक्व अपक्व दोनों प्रकार के अन्य को पक्वाशय में भेज देते हैं,
फिर ध्रुवम वो कभी बंदी से मन की पुनः पुनः प्रवृत्ति होने लगती है जो कि ग्रहणी रोग कहलाता है। इसके लिए कहा गया दुष्यति अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृतम ग्रहणी गदज दुष्यति अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत्पच्यति लघु अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विष रूपता मंदाग्नि का सेवन किया जिसकी वजह से है जो कि मंदाग्नि में मंदाग्नि होने से है जो कि आम व पक्व मंदाग्नि होने से आमदोष की उत्पत्ति हुई। आमदोष है जो कि पक्व अपक्व अपक्व दोनों प्रकार के अन्न को है जो कि पक्वाशय में भेज देती है जिससे कभी द्रव और कभी है जो कि बंधे में मन की पुनः पुनः प्रवृत्ति होने लगती है तो उसे है जो कि ग्रहणी रोग कहते हैं। सामान्य अवस्था में जो ग्रहणी होती है वो अपक्व अन्न का धारण करती है और पक्व अन्न को है जो कि आगे एब्जॉर्प्शन के लिए भेज देती है, पर परंतु ग्रहणी जब दूषित हो जाती है ग्रहणी की दूषित होने पर वह अपक्व अन्न को भी धारण नहीं करती और नीचे की जाती और धकेल देती है, उसे ही है जो कि ग्रहणी दोष कहा जाता है। संप्राप्ति घटक के बिना तो संप्राप्ति घटक में इसमें दोष होते हैं त्रिदोष दृश्य होता है अन्न रस श्रोत से अनुभव पुरेश्वर अधिष्ठान है पित्त धरा कला ग्रहणी श्रोत दृष्टि प्रकार है अति प्रवृत्ति स्वभाव दावन अग्नि मांध्य साध्य साध्यता की बात करें तो यह एक कृच्छ साध्य जाति होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रहणी के टाइप्स की ग्रहणी के भेदों की। आचार्य चरक ने ग्रहण दोष के चार टाइप्स बताए हैं पातज ग्रहणी पितज ग्रहणी कपज ग्रहणी और संज्ञापातज ग्रहणी। आचार्य माधवकर ने भी जो कि छह प्रकार के ग्रहणी रूप बताए हैं वातज ग्रहणी पितज ग्रहणी कपज ग्रहणी संज्ञापातज ग्रहणी संदेह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसकी पूर्व रूप की। इसके पूर्व रूप के लिए जो कि पूर्व रूप तृष्णा आलस्य बलशय विदाहु अन्नस्य पाकश्च चीरात् कायस्य गोर्व इसके बताया है। इसके अंदर है जो कि तृष्णा होती है आलस्य होता है बल का क्षय हो जाता है अन्न का विदाह होता है पाकश्च चीरात् अन्न का है जो कि चीरात् देर से पाचन होता है कायस्य गोर्व गोर्व में शरीर में है जो कि भारीपन होता है। ये है जो कि इसके अरे पूर्व रूप बताए गए हैं। ये सभी पूर्व रूप होते हैं जो कि आम दोष की उत्पत्ति होने पर आते हैं। तो आम दोष यदि अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो उसकी वजह से है जो कि ये सभी सिम्टम्स है जो कि पूर्व रूप है जो कि अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ग्रहणी दोष के सामान्य लक्षण की। तो ग्रहणी दोष के सामान्य लक्षण के बारे में कहा गया है अतिश्रेष्ट दुर्बंधम द्रवम तदुपदेश्य थे प्रश्न आरोचक निरस्य प्रसेक तमकान वितः शून्य पाद करह अस्ति पर्व रुक छर्दनी ज्वर है लोह ताम स्थित अमृत करश्च जायते। इसमें ये जो लास्ट में लाइन कही गई है लोह आम स्थित अमृत करश्च जायते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है इसके बारे में कि ये किसके लिए कहा गया है। तो इसके लिए जो कि सिम्टम्स में जो कि अपने को ये देखने को मिलता है अतिश्रेष्टम निबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते इसमें होता है कि कभी द्रव और कभी है जो कि बंधे भी मन की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा इसमें सिम्टम है जो कि मेनली देखने को मिलता है भोजन के तुरंत बाद जब भी कोई पेशेंट होगा ग्रहणी दोष से पीड़ित कोई पेशेंट होगा तो वो जैसे ही खाना खाएगा खाना खाने के तुरंत बाद में है जो कि उसके है जो कि अपक्व मन की प्रवृत्ति होने लगती है। इसके अलावा होता है इसके अंदर कृष्णा होती है मीन्स पेशेंट है जो कि क्रश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आमरस की उत्पत्ति होने की वजह से भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता उसके तो सही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो कि पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिश हो जाता है। इसके अलावा होता है इसके अंदर तृष्णा होती है अरुचि होता है विरसना होती है तमह प्रवेश होता है हाथ और पैरों में शोथ हो जाता है अस्थियों में वेदना होती है छर्दी हो जाता है तिक्त अंग उद्गार होते हैं लोह आम गंधी मीन्स लोह आम गंधी मीन्स लोह में लोहे के गंध के समान तिक्त अम्ल उद्गार है जो कि पेशेंट्स को एज अ सिम्टम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके स्पेसिफिक सिम्टम इसके वातज पित्तज कफज संज्ञापातज और बाकी जो भी टाइप्स बताए गए हैं उनमें किस किस तरीके के सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो वातज ग्रहणी के सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो उसमें होता है कि अन्न है जो कि कष्ट से बचता है अन्न विदा होता है मुख और कंठ में शोष होता है शोधा एवं दृशाधिक्य और पक्व अन्न की प्रवृत्ति छर्दी और अतिसार एक साथ होते हैं हृदय में पीड़ा होती है कार्शी एवं दौर्बल्य होता है मुख में विरसता परिकर्तिका मानसिक अवसाद कर्ण अपना भोजन पचने पर आगमन होता है गुल्म हृदय और प्लीहा रूप बढ़ने की आशंका होती है
ग्रीवा पार्श्व उरुव मस्तिष्क में है जो कि निरंतर पीड़ा होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पित्तज गृहिणी की, तो पित्तज गृहिणी में है जो कि अपक्व मल होता है, उसका वर्ण होता है जो कि नील या पीत होता है। नेक्स्ट होता है हृदय का वर्ण होता है जो कि पीत हो जाता है। दुर्गंधयुक्त अंग उद्गार आती है, हृदय व कंठ में दाह होता है, अरुचि एवं तृष्णा देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है कफज ग्रहणी, तो कफज ग्रहणी की बात करें तो इसका है क्योंकि आहार का सशोक विलंब से पाचन होता है, उत्क्लेश एवं वमन होता है, मुख का स्वाद है जो कि मधुर हो जाता है, अरुचि होती है, मुख है जो कि कब से लिप्त रहता है, कास एवं प्रतिष्ठा उधर प्रदेश पर भारीपन होता है, मैथुन में अनिच्छा होती है, दुर्बलता अपक्व गुरु व कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है, आलस्य होती है, रोगी को कृष्णा नहीं होती पर दुर्बलता होती है। कृष्णा और दुर्बलता दो डिफरेंट चीज़ होती है। कृष्णा मीन्स होता है शरीर से वो फिजिकली एजुकेशन वीक होता है, दुर्बलता मीन्स वो उसमें हर तरीके की गलत तरीके की वीकनेस होती है, किसी भी तरीके के काम को कर लेना उसमें किसी तरीके की एनर्जी नहीं रहती है, उसे अपन दुर्बलता कहते हैं। नेक्स्ट इज सन्निपातक गृहिणी, सन्निपातक गृहिणी के लिए है जो कि उसमें तीनों दोषों के लिए जो कि मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं, तीनों दोषों के लक्षण वातज पितज कफज, तीनों प्रकार की गृहिणी दोष में जो लक्षण बताए गए हैं वो तीनों मिले जुले लक्षण हैं जो कि सन्निपातक गृहिणी के अंदर देखने को अपने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संग्रह गृहिणी, संग्रह गृहिणी है जो कि संग्रह गृहिणी यह है जो कि सन्निपातक गृहिणी का ही एक परिवर्तित रूप है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले है जो कि मन का संग्रह होता है, संग्रह संग्रह मीन्स कलेक्शन, जब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर संग्रह होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पहले मन का संग्रह होता है, उसके बाद में जो कि उसमें प्रवृत्ति होती है, मीन्स इसमें होता है कि कई कई बार दो दो तीन तीन दिन तक है जो कि आते हैं जो कि मन का संग्रह होता रहता है, उसके बाद में जो कि स्टूल पास आउट के लिए जाता है पेशेंट। इसमें क्या होता है कि डेली पास आउट के लिए नहीं जाने की वजह से जो कि पौधे आते हैं जो कि अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं और मल का है जो कि यथासमय स्वाभाविक निर्धारण नहीं हो पाता, इसलिए मल धीरे धीरे संचित होता रहता है और मल संचय होने के कारण जब बहुत ज़्यादा मल संचय हो जाता है तो दबाव पड़ने के कारण ये जो कि मल की प्रवृत्ति होती है। ये होता है संग्रह गृहिणी जो कि इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें मल त्याग के समय है जो कि बहुत अधिक कष्ट होता है और मल त्याग की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसका आक्रमण है जो कि क्या होता है, जैसे कि मीन्स कभी है जो कि एक माह में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्टूल पास आउट के लिए पेशेंट है जो कि डेली ही जाने लग जाए। इसे है जो कि बहुत ज़्यादा दुश्चिकित्सीय व्याधि कहा गया है। इसके अलावा है जो कि इसमें इसके अलावा है कि तो मैंने इसके पैथोजेनेसिस की बात करी थी, तो इसके अंदर है जो कि अपने को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर मिलता है आंत्र पूजन, इसका दिन में प्रकोप होता है और रात्रि में शमन हो जाता है। इसके अलावा इसमें है जो कि द्रव स्निग्ध पिछल और अपक्व मल की प्रवृत्ति होती है, पूरी प्रवृत्ति के समय है जो कि वेदना होती है, मल प्रवृत्ति होती है जो कि सशब्द होती है, मीन्स शब्दयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है, मल की मात्रा अधिक होती है, आलस्य होता है, अग्नि मंदीय होता है, दुर्बलता होता है और कटी में वेदना होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घटी यंत्र ग्रहण, घटी यंत्र ग्रहण के लिए कहा गया है कि लेखने पर अश्रु में सूर, घटी मीन्स क्या होता है घड़ा, तो इसके लिए कहा गया है कि जैसे एक जो घड़ा होता है उसको अपने पानी से भरे हुए बर्तन में जब डुबोते हैं तो उसमें से जिस तरीके की आवाज आती है उस तरीके की आवाज यदि अपने आंत्र से आती है तो उसे है जो कि घटी यंत्र ग्रहण कहता है। इसमें कहा गया कि लेखने पर पार्श्व में शूल तथा जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि से युक्त ग्रहणी रोग को घटी यंत्र ग्रहणी कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है, ये आंत्र है जो कि इतनी दुर्बल हो जाती है कि मनुष्य जिस तरफ लेता है, जिस पार्श्व में लेता है और उसका आंत्र में पड़ा हुआ आहार है जो कि उसी ओर चला जाता है। यदि पेशेंट है जो कि राइट करवट लेता है तो उसका जो आहार होता है वो राइट साइड में चला जाता है, वो लेफ्ट करवट लेता है तो उसका आहार जो कि लेफ्ट साइड चला जाता है। इस प्रकार के लक्षण है जो कि होने को है जो कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के अंदर भी है जो कि देखने को मिलते हैं। इसके अंदर है जो कि इसमें सिम्टम्स नोट करके देखने को मिलता है कि इसमें बहुत अधिक दुर्बलता हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में नींद आती है, सोते समय पार्श्व में शुरू होता है और प्रवृत्ति के समय है जो कि आवाज होती रहती है।
नेक्स्ट है जो कि इसके अलावा भी है जो कि आचार्य है जो कि बहुत प्रकार की गृहिणी बता रखी है, उसमें से एक है राजगृहिणी। राजगृहिणी है जो कि ये होती है, इसके लिए जो कि संहिताओं में बताया गया कि ये संपन्न वर्ग के लोगों में मीन्स रिच फैमिलीज के अंदर ये जो कि ये देखने को मिलती है। इसके जो निदान वगैरह हैं वो सब तो पीढ़ी रोग के समान ही होते हैं, पर इसके लक्षण होते हैं तो इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर स्नेह युक्त मल की प्रवृत्ति होती है, मीन्स मल के अंदर ये जो कि म्यूकर्स वगैरह देखने को अपने को मिलता है। स्टूल होता है जो कि वाटरी स्टूल होता है। इसके अलावा है जो कि इसके अंदर गाढ़ा पीला और श्वेत वर्ण की है जो कि मल प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा इसके अंदर मुख पाक और गुदबाग भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शतज गृहिणी की। तो शतज गृहिणी के लिए बताया है कि अतिसार और प्रवाही का रोग जब शांत हो जाता है तो गृहिणी में यदि किसी भी प्रकार का शत हो जाता है तो उसकी वजह से है जो कि ये गृहिणी दोष उत्पन्न होता है। इसके अंदर है जो कि यदि शत हो जाएगा तो ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस होने की वजह से जो कि रक्त मिश्रित द्रव मल का सरण होता रहता है, गुदामाल से रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होती है। तो इसे है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्षयज गृहिणी। क्षयज गृहिणी के लिए बताया गया है कि उदर में आंतों की दीवार, आंतों की सूक्ष्म कोशिकाओं या पित्त धरा कला में जब क्षय कारक जीवाणुओं की उपस्थिति हो जाती है तो उसकी वजह से जो गृहिणी रोग उत्पन्न होता है उसे क्षयज गृहिणी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आमज गृहिणी। आचार्य चरक ने है जो कि साम गृहिणी के बारे में बताया है, विदग्ध आहार से मूर्छित वातादि दोष जब गृहिणी में आश्रित होते हैं तब आमज गृहिणी रोग को उत्पन्न करते हैं। इसके जो उनके सिम्टम्स में जो कि देखने को मिलता है विषतम, प्रसी, उदरशूल, विदा, अरुचि, गोरखता और आम अपक्वन देखने को अपने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गृहिणी दोष की साध्य असाध्यता की। इसके लिए है जो कि बताया गया है कि गृहिणी रोग होती है जो कि बालकों में साध्य होती है, युवाओं में कृच्छ साध्य और वृद्ध पुरुषों में जो कि असाध्य होती है। वातज पित्तज और कफज गृहिणी है सुख साध्य होती है और संधिपात गृहिणी कृच्छ साध्य होती है और घटी यंत्र गृहिणी असाध्य होती है। जिन लक्षणों से युक्त अतिसार असाध्य है उन्हीं लक्षणों से युक्त गृहिणी रोग भी असाध्य होता है। गृहिणी रोग के उपद्रव में है जो कि बताया गया है ज्वर, शोथ, शू, हिक्का, वमन, आधमान, प्रलाप, तीव्र अरुचि, श्वास और पांडुरोग। तो ये अपन ने है जो कि यहाँ पे पढ़ा है, इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है गृहिणी दोष के निदान, समाप्ति, लक्षण और उसके विशिष्ट लक्षण और उसके साध्य असाध्यता के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में है जो कि अपन गृहिणी दोष के चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।